हेलो। हेलो अंकल, मैं यामिनी बोल रही हूँ। हाँ यामिनी, बोलो बेटा। अंकल ऋतु होगी? बेटा रितु बहुत अपसेट है, मेरी समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे तसल्ली दूं। जिंदगी में पहली बार अपनी बच्ची के आंसू भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। अंकल सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने तो हमेशा सबका अच्छा चाहा है ना, भगवान आपके साथ कोई बुरा नहीं करेगा। आप धीरज से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुख में भी रमन को अपना समझने के लिए तेरा थैंक यू पुत्र। हमारे लिए तू रितु से कम नहीं है। मैं थोड़ी देर में रितु से तेरी बात कराता हूं बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। आकाश, रमन अंकल बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैं जानता हूं, आजकल काफी बुरा वक्त चल रहा है। इस वक्त कौन आया होगा? मैं देखता हूं। बाबूजी आप? बाबूजी आप? चलो बेटे अम्मी, मैं तुम्हें लेने आया। बाबूजी लेकिन क्या? तू आकाश बेटे, देखो मैंने तुम्हारी अभी तक कोई बात नहीं टाली है। तुम्हारे एल्बम का काम पूरा हो गया, अब यामिनी की यहाँ नहीं रामपुर में जरूरत है। पर बाबूजी मैं ऐसे कैसे वापस जा सकती हूँ? अभी अभी तो रामन अंकल के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। यामिनी, इस शहर में रोजाना हादसे होते रहते हैं। इससे पहले कि हमारे परिवार में कोई हादसा हो जाए, तुम फौरन चलो। मैं रामपुर से गाड़ी लेकर के आया हूँ, तुम अपना सामान लेके आओ, हमें अभी निकलना है इसी वक्त। बाबूजी लेकिन कम से कम आप सुबह तक तो रुक सकते हैं। नहीं आकाश, ये संभव नहीं है। चलो बेटे जल्दी करो, मैं तुम्हारी माँ को वहां अकेला छोड़कर आया हूँ, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अम्मा की तबीयत खराब है? क्या हुआ है अम्मा को? अब तुम्हारे जो भी सवाल हैं रामपुर चल के कर लेना। चलो प्लीज। जी एक मिनट। मुझे दुख है आकाश, हमें इस तरह से मजबूरन निकलना पड़ रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। चलो बेटे, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आकाश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऋतु को क्या जवाब दूंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। तुम वहां पर पहुंच के बस मुझे एक बार फोन कर देना और बता देना कि अम्मा की तबीयत कैसी है। ओके चलो। रहने दो बेटा, मैं उठा लूँ। हेलो। हेलो मामा जी, निकिता बोल रही हूँ। हाँ निकिता बिटिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मामा जी अक्षय कैसे? अक्षय आगे से बहुत बेटर। हाँ ये सब सिमी बिटिया की सेवा का कमाल है। अच्छा बहुत सेवा कर रही है वो। अच्छा रो, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ सिमी से। एक मिनट, निकिता का फोन। हेलो दीदी। हाय सिमी। हेलो दीदी, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे सिमी, कह रहे थे कि तुम अक्षय की बहुत अच्छी तरह केयर कर रही हो। थैंक्स सिमी। दीदी इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है, अगर आप यहाँ पर होती तो आप भी ऐसा करती। मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। अच्छा सिमी, अक्षय जागे हुए? हाँ हाँ वो यहीं पर है, आप उनसे बात करिए। हाय अक्षय, अब तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत की छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, कैसा लग रहा है यू ऐसे?
अक्षय यूएसए इज जस्ट फैबुलस। यहाँ के लोग इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जस्ट कांट टेल यू। इतनी बड़ी घटना हो गई पर कुछ लगता ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, जय ने एक बहुत ही शानदार ऑफिस खोला है। इट्स जस्ट अमेजिंग। निकिता, आई एम टायर्ड, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, बट सुनो तो अक्षय। क्या हुआ अक्षय बेटे? कुछ नहीं मामा जी, वो जी घबरा रहा है। जीजू, मैं आपकी दवाई लेके आती हूँ। कुछ नहीं, बस जरा सा जी घबरा रहा है। सर, पोस्टमार्टम और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ गई। तिवारी, उस जगह हमें तीन निशान मिले हैं, जिसमें से एक किटी का था, दूसरा अनामिका सचदेवा का है, पर ये तीसरा व्यक्ति कौन है जिसके हमें निशान मिले हैं? इस निशान के बारे में हेडक्वार्टर से पता लगाओ कि ये हमारे पुलिस रिकॉर्ड्स में है या नहीं। सर, मुझे लगता है कि किट्टी मैडम के यहां उस दिन कोई और भी मौजूद था। तिवारी, मेरा अंदाजा ये है कि उस रात किटी के घर पर किटी और अनामिका के अलावा दो जने और मौजूद थे, जिसमें से एक इंपोर्टेड सिगरेट्स पीता था। अनामिका सचदेवा जिस मेंटल स्टेटस से अभी तक निकल नहीं पा रही, उससे लगता है कि किटी और अनामिका के बीच रिश्ते नॉर्मल नहीं थे। तुम ठीक कह रहे हो तिवारी। किटी के बारे में दिल्ली पुलिस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उससे यह पता चलता है कि किटी काफी ऊंची सोसाइटी में मूव करती थी। उसकी डायरी में हमें जितने भी नंबर्स मिले हैं, वो सारे दिल्ली के VIP नंबर्स हैं। लेकिन सर, मुंबई में किटी का जिन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट था, उनमें से तो कोई भी VIP नहीं है। तिवारी, इस केस में हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में एक VIP नाम भी है। मैं समझा नहीं सर। श्रीनी कोई और नहीं, मंत्री श्रीनिवास जी। यह मम्मा के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है जैसे अभी उस कमरे से आवाज देंगी मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है नेहा। तू घबरा मत रितु, अंकल शहर की बहुत बड़ी हस्ती है, वो आंटी को पुलिस से जल्दी छुड़ा लेंगी। दो दिन हो गए नेहा, पापा कुछ नहीं कर पाए। नहीं जानती नेहा, एक एक पल, एक एक दिन बिताना कितना मुश्किल हो गया है। नेहा, मेरी मम्मा किसी का खून नहीं कर सकती। पुलिस ये बात क्यों नहीं समझती? तू पुलिस ये बात कैसे समझेगी? वो तो आंटी को जानती ही नहीं। तुझे पता है, आकाश भैया भी यही कह रहे थे कि आंटी ने खून नहीं किया। जस्ट रिलैक्स। पता नहीं नेहा, क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। मम्मा ने कभी इस तरह रात नहीं गुजारी जिस तरह उस लॉकअप में, उस मामूली सी दरी पर। तो प्लीज डोंट क्राई। देख, बुरा वक्त बहुत देर तक नहीं रहता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। कैसे समझाऊं मैं अपने आप को? मैं मामा के बिना अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं जानती हूँ रितु, मगर जरा सोच, आंटी हमारी आंखों के सामने तो है ना,
हम जब चाहे उन्हें देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। और मैंने तो पूरी जिंदगी अपने मम्मी पापा के बिना गुजारी है। आंटी को देखकर ही ये एहसास हुआ कि माँ क्या होती है। यू डोंट वरी रितु, तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ओके जस्ट मी या अम्मा अम्मा। अरे यामिनी अम्मा, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। पर बाऊजी ने तो कहा था कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ये ना कहता तो तुम्हें वहां से लाने के लिए और क्या कहता? बाऊजी आपने झूठ बोला? बाऊजी आपने तो मुझे सिखाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, और आज इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने खुद झूठ बोला। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपने आप से ढेरों झूठ बोलने पड़ते हैं रोजाना। तुम्हें समझाना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वो मुंबई शहर के सपने देखना तुम छोड़ दो। वो शहर रिश्ते तोड़ता है यामिनी, रिश्ते जोड़ता नहीं है। और मैं अपने जीते जी रामपुर से तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। बाऊजी मेरे मुंबई जाने से ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो टूट रहे हैं? मैं जब भी मुंबई जाती हूँ आपकी बेचैनी शुरू हो जाती है। बाऊजी आप मुझे बताते क्यों नहीं, ऐसा क्या है उस शहर में जो आपको इतना परेशान कर देता है? यामिनी वो अखबार में किटी के खून की खबर सुनके ना तेरे बाऊजी जरा घबरा गए थे। वैसे उस शहर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। प्लीज अम्मा, कोई ना कोई बात तो जरूर है जो आप दोनों मुझे बताना नहीं चाहते। जब से मेरा मुंबई आना जाना शुरू हुआ है हमारे घर का तो माहौल ही बदल गया है। हम सब एक दूसरे से आंखें चुराते रहते हैं। तुम ठीक कहती हो यामिनी, मुंबई शहर ने हमारी नींद हराम कर दी है। वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है बेटे। वहां इंसान के लिए रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम अनामिका को देख लो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक औरत ऐसा भी कर सकती है। बेटे किटी तुम्हारी मां की चचेरी बहन थी और अनामिका की खास दोस्त, और अनामिका ने अपने दोस्त का ही खून कर दिया। बाऊजी अनामिका आंटी ने किसी का खून नहीं किया है, इस खून के पीछे उनका हाथ हो ही नहीं सकता। तुम नहीं जानती यामिनी, जब इंसान का खुद पर बस नहीं चलता तो कुछ भी कर सकता है। बाऊजी आपको लगता होगा लेकिन मैं ये बात नहीं मानती। अनामिका आंटी की आंखों में जितना प्यार है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती, वो किसी का खून नहीं कर सकती। बाऊजी आपको यामिनी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सुधा मैं नहीं चाहता कि यामिनी को इस सच्चाई का कभी भी पता चले।